बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। हम अपने सबक का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम जोड़ तोड़ सीखेंगे। बच्चों, हमें अपनी कामयाबी के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। जैसे अंडा अंदर से टूटे तो उसका मतलब होता है कि तो हम सच्ची और अच्छी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? कुरान मजीद का मुताला करने से इस दुनिया की भी कामयाबी और हमेशा हम ये है। कुछ बनता है काफ, ये क्या है? ये चीख मार रहा है। चीख को कैसे? के और छोटी ये की और इसके साथ हमने फे मिलाया तो ये बन गया। ये कौन है? तो कहते हैं शिकारी। शिकारी को उर्दू में कैसे लिखते हैं? कुरान मजीद का मुताला करने से इस दुनिया की भी कामयाबी और हमेशा हमेशा कायम रहने वाली आखिरत की कामयाबी, वो जिंदगी जिसने कभी खत्म। कौन है? ये चूहा है। चूहा जो है वो कुतरता है। बच्चों, हमें अपनी कामयाबी के लिए भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कामयाबी कैसे किसको है। ये कौन है? ये शेर है और ये एक जाल में था। थे नून सीन फंस और ये क्या है? ये डर रहा है, इससे घबराहट सारी। घे बे घब रे अलिफरा और शेर क्या कर रहा है? वो धार रहा है। धे अलिफ धा रे अलिफरा धाड़ा। क्या कह रही है? खामोश। लिखते हैं फे अलिफा मीम वामो शीम ये शी। ये क्या है? थोड़ी। और ये क्या कह रहा है? ये आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। शीन काफरे कर ये है शुक्रिया। हम कहानी लिखेंगे। कुछ खाली जगह हैं, अरकान को मिलाकर उनके अल्फाज बनाएंगे हम। इसके कुछ एक डैश के जाल में, एक शिकारी के जाल में, शेर की चूहा अपने बिल से बाहर आया और शेर के जाल को कुतरना शुरू। शेर खामोशी से देख, शेर आजाद हो गया क्योंकि चूहे ने कुतर कर शेर की और अपनी राह पर चल पड़ा। कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कोई भलाई हमारे साथ करे।